तो चलिए नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज देखिए ईडी प्रैक्टिकल के लिए तीन बड़ी बड़ी न्यूज हैं। एक तो ईडी प्रैक्टिकल के लेकर के है, एक जो है तो अग्निवीर वालों का है, और एक जो है तो बिहार में कैसे फिर से उधाम मचा दिए हैं राज्य सरकार ने, स्टेट डायरेक्टर ने जाँच के लिए। तो सबसे पहले चलता हूँ, देखिए ये वेबसाइट खोलिए और यहाँ पीली पट्टी को पढ़िए जिसका मैंने हल्ला मचाया था, और आप लोगों को बार बार अभी भी बोल रहा हूँ कि आप अपना करेक्शन ईडी प्रैक्टिकल के मार्क्स को आईटीआई वाले एग्जामिनेशन मैनेजमेंट से बात करें जो उनके होते हैं, ट्रेनिंग मार्क्स को लेकर के, नंबर को लेकर के, ईडी प्रैक्टिकल के नंबर को लेकर के अपडेशन। साफ साफ क्या लिखा है, ईडी प्रैक्टिकल मार्क्स अपडेशन। आईटीआई वाले जो एग्जाम मैनेजमेंट होती है वो जो है तो ट्रेनिंग के माने छात्रों के नंबर को लेकर के, ईडी प्रैक्टिकल को लेकर के नोडल से मिलें, और नोडल 16 तारीख को क्लोज हो जाएगा। तो ये चल रहा है, ये हर आईटीआई वाले को दिखा दीजिए स्टूडेंट कि आप लोग देख लीजिए, साफ साफ लिखा है कि आईटीआई कैसे जाए एग्जामिनेशन मैनेजमेंट, ट्रेनिंग मार्क्स, ईडी प्रैक्टिकल मार्क्स अपडेशन बाय नोडल आईटीआई विल बी क्लोज ऑन 16 जनवरी 2023। अगर ये क्लोज हो गया, और मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोग 14 तारीख को गए, 14 15 को गए, तो ये आपका काम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 14 को संक्रांति है, 15 को जनरली छुट्टी, 16 तारीख को फिर वही डेटा अपडेट नहीं हुआ, दुनिया भर की चीजें हो जाएंगी। तो ये चीजें आप सीधे लेकर के जाइए, या ये वीडियो लेकर के जाइए, अपने आईटीआई को दिखाइए, नोडल को दिखाइए, और जिनका माइनस वन है, जिनका डेटा नहीं चढ़ा है, या कुछ भी ऐसी दिक्कत हो रही है, खास तौर से ईडी प्रैक्टिकल वालों को बोल रहा हूं, तो वो किसी भी हालत में एनी हाउ अपने आईटीआई से मिले और नोडल खुद जाए। आज कई लड़कों ने फोन किया था कि सर मैं नोडल जा रहा हूं, फिर मैं वहां से बात करवाऊंगा, तो वहां गए, उनका नंबर चढ़ गया है, बहुत सारे लड़कों का चढ़ गया है, बिहार के थे, कई झारखंड के थे, उत्तर प्रदेश के थे, राजस्थान के थे, हरियाणा के थे, और आपके उड़ीसा के लड़के थे, कर्नाटका के थे, और गुजरात के थे, महाराष्ट्र के लड़के थे। तो ये सारे लड़कों को जब मैंने ये शो दिखाया, बहुत सारे लड़कों को ये चीज़ें नहीं पता है कि वो हवा हवाई में कि कहाँ है क्या है नहीं मानते हैं। तो भैया ये आप NCVT MIS पोर्टल की साइट बोलना कि सर खोलिए, और जैसे खोलेंगे मेरी वीडियो भी दिखा देना, और उनको बोलना कि सर ये देखिए पीली पट्टी पे क्या चल रहा है और क्या लिखा हुआ है, इसकी हिंदी भी उनको समझा देना, इसकी इंग्लिश भी समझा देना कि सर 16 तारीख के पहले पहले आपको नंबर को अपडेट करना है, और ये नंबर अपडेट हो गया तो मैं बता रहा हूं कि 50% लड़के ईडी प्रैक्टिकल में परीक्षा में नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो पास हो जाएंगे। इसीलिए ये टाइम दिया गया है, इसीलिए ये थोड़ा सा लेट किया गया है, और आपका ये सारी चीजें, जैसे मार्च वाले लड़के हैं जिनका मार्च में एग्जाम था, उनको बोल रहे हैं कि उनका भी जो है वो भी कब अपडेट हो जाएगा, आपका 21 जनवरी को। तो जो मार्च में लड़के परीक्षा दिए थे उनको भी बोल रहा हूं, है ना, जिनका हाल टिकट गलत रूप से आ गया था उनको भी बोल रहा हूं कि वो कहां जाएंगे, अपने नोडल जाएंगे और अपने आईटीआई जाएंगे। आईटीआई के भरोसे ना रहें, आईटीआई वाले को भैया पेट्रोल उट्रोल का पैसा दे दो, उसके गाड़ी में बैठ जाओ और खुद जाओ, खुद लड़ाई करो मेरे भाई, हाथ जोड़ रहा हूं। मैं बहुत गाली सुन चुका हूं, बहुत टेंशन में आ चुका हूं, अगर आप लोग ये सब चीजें नहीं करते हो तो अब आपको कोई नहीं बचा सकता है, ये आप लिख लीजिएगा। आपकी आखिरी लड़ाई एक हफ्ते की बची हुई है, 10 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक, 13 तारीख तक आप लोग जाइए, आज ही जाइए, 11 को जाइए, 12 को जाइए, 13 को, चूंकि 14 को संक्रांति है तो फिर वो लफड़ा वाली बात हो जाएगी, फिर कोई आएगा कि नहीं आएगा, जैसे दीपावली में 5000 लड़कों का डेटा एक जगह एक बाबू ने नहीं चढ़ाया चूंकि दीपावली थी, ठीक है, फिर कहीं पुताई कहीं को, तो फिर मकर संक्रांति का आ जाएगा, इलाहाबाद में कलब्बास नहाने का बहाना आ जाएगा, दुनिया भर के बहानेबाजी हो जाएंगी। तो मेरे आईटीआई वालों को भी है कि भैया अपने बच्चों को बचाओ, जिसके कारण आपका एडमिशन नहीं हो रहा था, बच्चे निगेटिव हो रहे थे कि आईटीआई वाले हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हम क्या करें, तो आईटीआई वालों को बोल रहा हूं कि अगले साल के लिए एडमिशन के लिए जगह बनाए रहिए, और इन बच्चों को मसला देख करके आप खुद जाइए और साफ साफ नोडल वालों को दिखाइए, वो लेटर भी निकाल लीजिए, और हर
आईटीआई वाले को, हर स्टूडेंट को बोल रहा हूं कि स्टूडेंट को बुला करके ले जाइए साथ में कि चल भाई देख ले तू, बाद में उप ना करो। तो इसीलिए आरटीआई लगाने से अब कोई मतलब नहीं था, चूंकि अब डीजीटी जान गई है कि आरटीआई लग गई, लड़कों जो है तो अब वो हो गए हैं, जग गए हैं, अब भूसा खाता नहीं होगा। बहुत सारे अवेयरनेस का प्रोग्राम चल गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उपद्रव हो जाए, तो इसलिए उन्होंने इतना टाइम दिया है। जो भी टाइम है बहुत अच्छा टाइम दिया गया है और रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। इसलिए दोनों लड़कों को बोल रहा हूँ कि जो ईडी प्रैक्टिकल में माइनस वन वाले हो, जिनका नंबर नहीं चढ़ा है या एलिजिबिलिटी नहीं हुई है, वो भी जा कर के देख लें। और जो मार्च में लड़के दिए थे कि जिनको फेंक दिया गया था और उनको फिर से अपन ने कवरेज किया है, मैंने नहीं किया भाई, आप लोगों ने आवाज़ उठाई है, आप लोगों ने मिल करके किया तो आपकी आवाज़ वहाँ तक गई है। मैं क्रेडिट नहीं लेता हूँ, मैं कौन होता हूँ क्रेडिट लेने वाले। बहुत सारे स्टूडेंट नाराज़ हो गए हैं कि आपने तो ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी इतना लेट हो करके। भगवान जाने कि एक परीक्षा में कैसी ज़िंदगी बर्बाद होती है, मैं तो नहीं जानता हूँ, पर चलिए ठीक है। तो ये है, ये आप लोग देख लीजिए प्लीज़ 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 प्लीज़। और एक आध दो दिन आप वेट करिए न्यूज़ के लिए, क्योंकि फिर न्यूज़ जो है तो थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा कहीं दूसरे काम में बिजी हो गया हूँ, तो उसको मैं वो करूँ, ठीक है। अब दूसरा जो है तो चलते हैं, ये अग्निवीर का लेटर देख लीजिए। आईटीआई के लिए सारे जगह पे लिखा है, डीजीटी ने और गवर्नमेंट आर्मी के वो लोगों ने लिया है कि 30 नंबर मिलेंगे वन ईयर को कोर्स हैं जो गवर्नमेंट इंडिया से अधिकृत हैं आईटीआई, और 40 नंबर दो साल वालों को मिलेगा, 50 नंबर जो है तो डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। अग्निवीर के कैटेगरी में आएंगे, जिनका अग्निवीर में ये देखिए अग्निपथ के उसमें आएंगे उन लड़कों को मिलेगा। ये जो है तो कैबिनेट ने पास किया है और उन्होंने ये लिखा हुआ है, लेफ्टिनेंट कर्नल NS सारना साहब जो है तो, और ये ने लिखा हुआ है किसको, डीजी मैडम को लिखा था कि आपके यहाँ के जो लड़के हैं हम उनको इतना जो है तो अग्निपथ योजना के तहत हम उन लड़कों को जो है तो इंडियन आर्मी में जो है रिक्रूटमेंट के लिए हम उनको इतनी सुविधाएं देंगे कि 30 नंबर वन ईयर वालों को और 40 नंबर का इसका बेनिफिट देंगे। तो इसका जो है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और ये जो लेटर है मेरे को दिया गया है, बताया गया है कि इसके बारे में भी बताइए बच्चों को कि जो आईटीआई कर रहे हैं तो अगर इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार ने इसकी बहुत बड़ी मीटिंग रोज़ रोज़ करते रहे हैं और लंबी चले हैं अग्निवीर अग्निपथ योजना। तो बहुत सारे लड़के जो आर्मी में जाना चाहते हैं तो उनको ये बेनिफिट है जो आईटीआई किए हुए हैं, तो ये आईटीआई के बढ़ावे के लिए चीज़ है। चलिए जो भी है, जैसा भी है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और भविष्य में और आगे भी अच्छा ही होगा। अब चलते हैं बिहार के लिए। तो बिहार में फिर से 5 तारीख को एक लेटर जो है तो वहाँ के बिहार के जो है तो निर्देशक ने भेज दिया कि भैया गूगल फॉर्म पे मैंने बोला था तो आप लोगों ने जानकारी नहीं दिया है, 6/12 को मैंने भेजा था, तो अब नाराज़गी थोड़ा सा जाहिर किए हैं कि भैया निरीक्षण है तो जो है तो गुणवत्ता और संचालन बहुत बढ़िया, कि निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के गुणवत्ता और संचालन निरीक्षण हेतु। तो सबसे पहले गवर्नमेंट आईटीआई का पता नहीं गूगल फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, कि प्राइवेट के लिए ही है ये, पर अच्छी बात है, ये आईटीआई वालों के लिए जब एक नहीं होगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी बात मत मानो आप लोग, कोई कहने वाला नहीं होगा कि सर पहले गवर्नमेंट वाले भी भर करके दिए हैं कि सिर्फ इसमें लिखा है कि निजी औद्योगिक प्रशिक्षण, माने गवर्नमेंट में क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं है बाबू साहब को, बाबू साहब को जो है तो लेना देना है कहाँ, निजी प्राइवेट आईटीआई को, चलो उनको देखो वो कैसे हो रहे हैं, उनको अच्छा बनाना है अपने को नहीं बनाना है। या तो गवर्नमेंट अपने आप को मानती है कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ सबसे अच्छा हूँ, या गवर्नमेंट जो है तो मानती है कि हम माने निजी आईटीआई के बराबर नहीं है, ये लेटर देख करके तो लगता है कम से कम यार गवर्नमेंट ने ठीक है बाबू आप लोग मत हो, ये एक दिन आप लोग हो गए एक तब तक में बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि वीरेश जो कहता है वो होता है, ये आप लिख के ले लीजिए, 28 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है जो हैं सबका नाम दे दिया गया है कौन कहाँ के किस आईटीआई के हैं कौन कौन कहाँ जाएंगे, ये सब नंबर वंबर मेल एड्रेस एड्रेस दे दिया गया है, अब ये शो नहीं करना चाहिए मेरे को, है ना, ये सब ठीक है, पर अब जो भी है जैसा भी है तो भैया आप लोग देखिए, आप लोग करिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कैसे करेंगे, है ना। चलिए और एडमिशन के बारे में अब लास्ट में बता दूं कि एडमिशन के बारे में परसों एक वो है बहस है, और एक कल जो है तो
दो बेंचों की जजों में केस लगाया जाएगा और इलाहाबाद वाली सुनवाई भी होगी कल परसों तक में, तो उसकी भी बात चलेगी। और अब दबाव अच्छा खासा बना है तो डीजीटी को एडमिशन के लिए मेरे हिसाब से खुलना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है भैया, अब आपकी लड़ाई है ना, मेरे को बीच में फंसा करके लाठी मरवा रहे हो आप लोग, लेकिन ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं आप लोगों के साथ में हूँ, अच्छे लोगों के साथ में हूँ मैं, और सभी को मैं बोल रहा हूँ कि जो हैं अपनी अपनी तैयारी अच्छी से करिए रहिए और स्टूडेंट के लिए भरोसा जीतिए। स्टूडेंट अगर एडमिशन नहीं आएंगे तो फिर कहाँ से एडमिशन होंगे। आज तक के लिए इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये ITI टॉक शो देखते जाइए। भैया सब्सक्राइबर भी बढ़ावा दीजिए ताकि थोड़ा सा दबाव और बढ़े, और अपने इधर उधर जो है तो शेयर कर दीजिए, जैसा भी लगे आपको वैसा करिएगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों ITI में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ, उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए नर्सिंग कॉलेज ANM GNM BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें, दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।